नर्मदा जिले के गोरा गांव के पास घाट तैयार हो चुका है। हमारे देश के वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब के अथक प्रयत्नों से ये घाट तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री स्वामी धर्मानंद महाराज उपस्थित है। हम इसी घाट को लेकर उनके साथ थोड़ी बातचीत करेंगे और उनका पक्ष जानेंगे। जी गुरुजी, यहाँ पर ये जो नर्मदा घाट जो तैयार हो चुका है, तो सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा आपसे कि नर्मदा का क्या महत्व है? नर्मदा मैया अमरकंटक से निकली है और यहाँ पे रत्ना सागर के अंदर समाहित हो जाती है। भारत देश के अंदर एक ही नर्मदा मैया है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, बाकी सब जितनी भी नदियाँ हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती है। और भारत के अंदर एक ही नर्मदा नदी मैया है, नर्मदा मैया है कि जिसकी परिक्रमा आज हजारों लोग हर साल करते हैं। और इसी परिक्रमा के अंदर आज से 2500 वर्ष पहले आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने, शंकराचार्य जी भगवान ने भी इसकी परिक्रमा की हुई और इसी घाट के ऊपर तपस्या किया हुआ है। गोरा गांव के पास ये घाट तो तैयार हो चुका है, लेकिन आप अपनी कौन सी मांग को लेकर यहाँ पर आज उपस्थित हुए हो? आज हमारी ऐसी मांग है कि ये घाट बहुत अच्छा बना है नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य के अंदर, और इसकी आरती पूजा यहाँ पे होने वाली है और महाआरती के साथ में ही मोदी जी के कर कमलों द्वारा इस घाट का उद्घाटन किया जाएगा। इस घाट के ऊपर ऐसी बात है कि मोदी जी का आरती पूजा होने के बाद में नियमित यहाँ पे आरती पूजा चलती रहेगी, तो हमारे साधु संतों की ऐसी प्रेरणा है कि इसी घाट का नाम आदि जगत गुरु शंकराचार्य नाम रखा जावे। इसी घाट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य पड़े, ऐसी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आज से 2 साल पहले जोशीमठ बद्रिका आश्रम के जगत गुरु शंकराचार्य जी स्वामी श्री अनंत विभूषित ज्ञान धर्म सम्राट श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज इस नर्मदा परिक्रमा के अंदर आए थे आज से 2 साल पहले। तो उनकी ऐसी मन के अंदर भावना थी, उनकी प्रेरणा थी कि इसी नर्मदा जिले के अंदर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के आजू बाजू कहीं पे शंकराचार्य जी महाराज का कोई मंदिर बने या फिर कोई ऐसा घाट बने कि उनकी नाम की जो स्मृति है वो हमेशा हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहे। तो ऐसी हमारे को प्रेरणा हुई, उसी प्रेरणा के तहत हम काम कर रहे हैं। आपकी इसी मांग को लेकर आपने अभी तक कहाँ कहाँ तक प्रयास किया? हमने इसके प्रयास के लिए सबसे पहले हमने एक संत, नर्मदा जिला की जो संत समिति है उसके तत्वाधान के अंदर कलेक्टर नर्मदा को हमने लेटर लिखा। उसके बाद में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के जो MD साहब है उनको हमने लेटर लिखा और उसकी एक एक कॉपी हमारे जिला के सांसद श्रीमती गीताबेन राठवा और भाजपा के प्रमुख श्री घनश्याम भाई पटेल, प्रदेश प्रमुख श्री CR पाटिल साहब और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब को भी हमने कॉपी उसकी भेज दी है। आपने इस घाट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य हो ऐसी मांग को लेकर आपके साथ और कौन कौन से लोग जुड़े हुए? आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी इस घाट का नाम हो उसके लिए हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है, यहाँ का मंडल है वो जुड़ा हुआ है, और संत समिति यहाँ की नर्मदा जिला की वो जुड़ी हुई है, उसके साथ में RSS के लोग जुड़े हुए हैं, स्थानीय कार्यकर्ता जुड़े हुए, उन्हीं के साथ में जितने भी परिक्रमावासी आते हैं वो जुड़े हुए, और स्थानीय जो साधु महात्मा यहाँ पे नर्मदा के किनारे रह रहे वो जुड़े हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसी घाट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य सरकार की ओर से रखा जाएगा? मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि 2 दिन पहले यहाँ पे इसी घाट के ऊपर मैंने सर्वे किया था तो यहाँ पे लोगों को मैंने पूछा था कि इस घाट का क्या नाम रखा है, तो उन्होंने बोला कि इसका आदि जगत गुरु शंकराचार्य रखा हुआ है। पर मेरे को मालूम था कि इसका अभी ऑफिशियल यानी संवैधानिक रूप से कोई उसका वो फैसला हुआ नहीं है। तो 2 दिन पहले ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और गुजरात प्रदेश प्रभारी BJP के श्री ओमजी भाई माथुर यहाँ पे सर्किट हाउस में आए थे, तो हमने उनसे मुलाकात की और उनको लिखित रूप के अंदर एक लेटर दिया है विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में कि हमारी जो ये मांग है ये माननीय प्रधानमंत्री जी तक उनके कानों तक पहुँचावे। अगर हमारी मांग ये प्रधानमंत्री जी के कानों तक पहुँचेगी तो मेरे को विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से श्री आदि जगत गुरु शंकराचार्य घाट का उद्घाटन किया जाएगा, ये पूर्ण विश्वास है और नर्मदा मैया के ऊपर मेरा को पूरा भरोसा है। नर्मदा जिले के गोरा गांव के पास ये जो घाट तैयार हो चुका है और यहाँ पर इसी नर्मदा घाट को लेकर आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहोगे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना हो सके मीडिया के माध्यम से आप प्रसार करें, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है कोई भी है, उनके माध्यम से प्रसार करें। और आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के प्रति उनकी जो भावना थी, आज से 2500 वर्ष पहले उन्होंने इसी नर्मदा नदी के किनारे तपस्या किया था और तपस्या करने के बाद में आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने 32 वर्ष की उम्र के अंदर जो केदारनाथ, अभी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ने केदारनाथ के अंदर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है 5 नवम्बर को,
तो मेरे को और भी विश्वास हो गया कि मोदी जी अगर केदारनाथ के अंदर वो कर सकते हैं आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, तो इसी घाट का वो अवश्य ही नाम रखेंगे कि आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी घाट का नाम से उसकी पहचान बनी रहे। तो ये थे हमारे विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री श्री धर्मानंद दास महाराज, जिन्होंने पूरा विश्वास व्यक्त किया है कि नर्मदा जिले के गोरा गांव के पास जो घाट तैयार किया गया है उसका नाम सरकार की ओर से आदिगुरु शंकराचार्य रखा गया जाएगा, ऐसा उनको पूरा विश्वास है। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।